आज के वीडियो में जानेंगे कि एलिस टिशू फोरसेप्स कैसा होता है, क्या काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में एलिस टिशू फोरसेप्स इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये एलिस फोरसेप्स इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज सर्जरी के दौरान किसी भी टिश्यू स्किन पार्ट को पकड़कर रखने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह एक होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज सर्जरी के दौरान किया जाता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये एलिस टिश्यू फोरसेप्स है। तो आप देख सकते हो दोस्तों इसकी फलक की ब्लेड जो होती है नुकीली होती है। ये ब्लेड जो देख रहे हो आप ये नुकीली होती है जिसमें दांते निकले होते हैं। ये आप देख सकते हो इसमें दांते निकले हुए हैं, ये नुकीली है, दांते निकले हुए हैं आप देख सकते हो। अब ये नुकीली संरचना क्यों बनी होती है? तो दोस्तों सर्जरी के दौरान किसी भी टिश्यू को खींचकर पकड़ने या होल्ड करने के लिए या फिर फेशिया को होल्ड करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट में दांते नुमा संरचना पाई जाती है जिसके द्वारा हम आसानी से टिश्यू को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इसमें दांतेदार संरचना, इसमें आप देख सकते हो इसमें दांतेदार संरचना इसमें पाई जाती है ताकि टिश्यू और मसल्स जो भी है उसको होल्ड करके आसानी से पकड़ के जो सर्जरी वाला पार्ट है, ऑपरेशन वाला पार्ट है, उसका ऑपरेशन सर्जरी कर सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस डिवाइस में लॉक सिस्टम भी पाया जाता है। आप देख सकते हो इस इंस्ट्रूमेंट में लॉक डिवाइस होता है। तो दोस्तों ये कैप लॉक डिवाइस क्या होता है? तो देखिए यह जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें लॉक इंस्ट्रूमेंट पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये लॉक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें लॉक सिस्टम पाया जाता है। आप देख सकते हो सर्जरी के दौरान यदि सर्जरी करना है, होल्ड करना है, तो इसे लॉक कर दिया जाता है ताकि ये इधर उधर ना जाए, इसीलिए इसे लॉक सिस्टम डिवाइस भी कहा जाता है जिससे आसानी से सर्जरी के दौरान टिश्यू को होल्ड कर सके। ठीक है दोस्तों, इसके यूज़ की बात करें दोस्तों इस इंस्ट्रूमेंट का मेन यूज़ होता है टिश्यू को होल्ड करने के लिए। ठीक है दोस्तों, डी एंड ई के दौरान सर्विक्स के एंटीरियर लिप्स को होल्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, टू होल्ड द मार्जिन ऑफ पेरिटोनियल रेक्टस सीथ एंड वेजाइनल म्यूकोसा। ठीक है दोस्तों, एपिस्टोमी वुंड एज अफेक्ट पार्ट और रिपेयरिंग के वक्त होल्ड करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह था एलिस टिश्यू फोरसेप्स। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।